Namaskar, hello and a very warm welcome to CIET NCERT's live phone-in interactive program. My name is Tanvi Khurana aur is waqt aap hame dekh rahe hain eVidya channel number 10 par. मैथ्स के इस कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है. आप इस वक्त हमें देख रहे हैं और आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं. आज जिस टॉपिक पर हम बातचीत करने वाले हैं वो है सरफेस एंड वॉल्यूम्स भाग एक. बिकॉज दिस इज अ बिग चैप्टर, वी विल बी डूइंग इट इन पार्ट्स. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, सरफेस एंड वॉल्यूम्स. इफ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस विद योर क्वेरीज, विद योर क्वेश्चन, प्लीज गिव अस अ कॉल ऑन आर नंबर विच इज 8800440559. अगर आप हमें ई मेल करना चाहें अपने सवाल तो ई मेल आई डी भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे, dth.class10@cit.nic.in. आप अपनी स्क्रीन्स पर भी ये ईमेल आईडी देख सकते हैं. तो हम उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द अपने सवाल हम तक जरूर पहुंचाएंगे. लेट मी प्लीज इंट्रोड्यूस यू टू आवर गेस्ट फॉर टुडे. वी हैव विद अस मिस सविता ग्राक. मैम, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू. जी नमस्कार, और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार. नमस्कार मैम, आपको भी हमारी पूरी टीम की ओर से. मैम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी को देना चाहेंगे. मैम हैं एकेडमिक कोऑर्डिनेटर गीता निकेतन आवासीय विद्यालय सलारपुर रोड कुरुक्षेत्र से. चलिए मैम, बातचीत करते हैं हमारे आज के इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, सरफेस एंड वॉल्यूम्स भाग एक हम यहाँ करने वाले हैं. तो आप हमें बताना चाहेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगी कि सरफेस एंड वॉल्यूम्स किस तरह से कैलकुलेट होता है और बच्चों को ये चैप्टर उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. मैम जी तन्वी, तो टुडेज टॉपिक इज डेफिनेटली सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. और अगर हम बात करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, अगेन दिस इज रियली नॉट अ न्यू टॉपिक टू आवर स्टूडेंट्स. दे ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट 3D शेप्स फ्रॉम देयर जूनियर क्लासेस. इवन आई मस्ट से दैट व्हेन दे वर इन द क्लासेस 4th, 5th, or 6th, दे नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय अ सिलेंडर, व्हाट डू वी मीन बाय अ कोन, क्यूब, क्यूबॉइड. तो 3D शेप से इंट्रोडक्शन जो हमारे स्टूडेंट्स का है वो बहुत छोटी एज से ही हो जाता है. उससे पहले भी हम अपनी रियल लाइफ में 3D शेप्स देखते रहते हैं. द रूम इन विच अ चाइल्ड इज सिटिंग और द हाउस, दीज ऑल आर 3D इन शेप्स. सो धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होती है कि 3D शेप्स के कितने फेसेस हैं, वर्टिसेस हैं, एजेस हैं. एंड विद द टाइम द स्टूडेंट्स लर्न अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ 3D शेप्स. So today also we are discussing surface areas and volumes. So let us start discussing with various shapes. So first of all, I need to share my screen again. First of all, let us discuss that what do we mean by a cylinder. So if I talk about a cylinder, or before that let me discuss about a cuboid. Cuboid, if I'm handling this figure in my hand, you can see this here, that this is the shape having length, breadth and height. कोई भी ऐसी 3D shapes जिस shape के पास length हो, breadth हो और height होती है, ऐसी shape को हम बोलते हैं cuboid. Most of the time the room in which we are sitting is known as a cuboid. Alright, यहाँ अगर हमें कोई भी 2D shape को 3D शेप को 2D प्लेन पर शो करना है तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, दैट दिस इज अ क्यूबॉइड प्रेजेंटेड ऑन अ 2D प्लेन पेपर. सो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. सो इफ दिस इज अ क्यूबॉइड, डेफिनेटली इट हैज हाउ मेनी फेसेस. इट हैज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 faces. Yes. So 6 faces में से this face and this face, जहां मैंने hand रखा है, both of these are equal in area. Similarly, this and this, both of these faces are equal in area. And similarly, this and this face are also equal in area. यानी कि there are 6 rectangles in a cuboid. और इन 6 रेक्टेंगल्स में से दो दो रेक्टेंगुलर फेसेस ऐसे हैं जिनका एरिया सेम है. दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इफ आई टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, इट इज 2 × LB + BH + HL, वी कैन सी इट हियर ऑन द स्क्रीन. एंड इफ वी टॉक अबाउट द लिटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सो इन केस ऑफ लिटरल सरफेस एरिया, आप छोटा सा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने रूम से.
फॉर दैट आप फ्लोर को छोड़ देंगे, आप सीलिंग को छोड़ देंगे एंड यू विल टेक द फोर फेसेस, सामने वाली वॉल, पीछे वाली वॉल और दोनों वॉल्स जो साइड पर हैं. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट? दैट इज डेफिनेटली 2h into l plus b. How it becomes? देखिए l into b is the area of the floor, similarly of the ceiling. So हम दोनों ही केसेस में l into b को छोड़ देंगे और जैसे ही आपने l into b को छोड़ा तो आपके पास lateral surface area पर जाता है 2 into bh plus hl. If from here you take 2 common, it is becoming 2h into l plus b. h common लेने पर हमें मिलता है 2h into l plus b square units is the lateral surface area of a cuboid. In addition to that, if we talk about the volume of a cuboid, so volume of a cuboid के लिए आप assume कर लीजिए कि आपके पास एक single sheet है, rectangular sheet, एक paper है और उस paper के ऊपर एक और same length and depth, same size की आपने एक और sheet रखी, एक और 5 sheets, 10 sheets, 20, 25, 30 और टोटल हाइट जो है वो फ्रेम हो जाती है h. सो व्हाट इज द वॉल्यूम? द वॉल्यूम इज डेफिनेटली द बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द हाइट फ्रेम्ड. सो द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड बिकम्स l इनटू b इनटू h. ऑलराइट, दैट इज क्लियर टू आवर व्यूअर्स. और इसके बाद अगर हम पूछते हैं कि किसी भी क्यूबॉइड शेप के रूम में लॉन्गेस्ट रोड जो हम रख पाए उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ होगी इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दैट रूम. एंड व्हाट इज द डायगोनल ऑफ दैट रूम? लेट अस डिस्कस दैट हियर आल्सो. हम ये देख सकते हैं, दिस इज वन कॉर्नर एंड दिस इज द अदर कॉर्नर. इन दोनों ही कॉर्नर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं अपोजिट मोस्ट टू ईच अदर, सो ये जो लेंथ है दिस इज नॉन एज द डायगोनल ऑफ दिस क्यूबॉइड. और डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज डेफिनेटली अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वेयर एल बी एंड एच आर रिप्रेजेंटिंग द लेंथ, दिस इज द लेंथ, द ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्यूबॉइड. सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस लेट अस डिस्कस अबाउट अ क्यूब. क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ अ क्यूब डेफिनेटली आपके पास क्यूबॉइड को ही हम क्यूब कह सकते हैं इन वन सिचुएशन, अगर उस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी. यू कैन सी दीज एजेस, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, अगर ये तीनों चीजें इक्वल हो जाती हैं इन दैट केस द क्यूबॉइड विल बी नोन एज अ क्यूब. तो अगर तीनों चीजें इक्वल हो गई तो उसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ? नाउ दिस फेस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल विच इज अ स्क्वायर, बिकॉज इन दिस लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल. सिमिलरली ऑल द सिक्स फेसेस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 दीज ऑल आर इक्वल इन एरिया. दैट मीन्स द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब will be the area of 6 squares and the edge of each will be definitely A if we say that A is the edge of the cube. So what is the total surface area? That is 6A square. What is the lateral surface area? That is definitely 4A square. Now if we talk about the volume of a cuboid, then volume of a cuboid, yes. So humne abhi discuss kiya tha that the volume of a cuboid is L multiplied by B multiplied by H. But in a cube, these L, B and H all are equal. So if these are equal, then it will become A multiplied by A multiplied by A, and which is definitely A cube, cubic units. Definitely the surface area will always be in surface units and the volume will be there in cubic units. The reason behind that is you are multiplying here three edges. A, A and A, therefore cubic units में ही आपका volume का जो है वो answer रहेगा. And if you talk about the diagonal of a cube, simply जो formula हमने cuboid के लिए discuss किया, it will be same here. It will be under root of A square plus A square plus A square. That means it is becoming root 3 A square if we talk about it under root.
And if you will solve this completely, it is becoming root 3 multiplied by side. Because root ke niche aap dekh sakte hain, this is a square here. So it can be written as a root of a square, that can be written as a only. Therefore, the diagonal of a cube is definitely root 3 multiplied by a. Now, after this, cube ke bare mein discuss karne ke baad, let us discuss about a cube, about a cylinder. Cylindrical shapes bhi hamare daily life mein dekh sakte hain aap. Aapke room mein jo tube light lagi hai, most of the time that is cylindrical or that is also cuboidal in shape. So, aap ek baar dhyan karenge, observe karenge, so we will come to know about it. Aap alag alag tarah ke blocks dekhte hain, aapka glass hai, aapke kuch pens hain, aapka marker hai, aapka water bottle hai. So, cylindrical shape ka hamare daily life mein bahut hi zabardast contribution hai. And this is also a cube, means jaisa hum प्ले करते हैं हमारे स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल्सो अ सिलेंड्रिकल शेप. तो सिलेंड्रिकल शेप में क्या है, बेस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ सर्कल. ऑलराइट, यहां से भी फिगर देख सकते हैं. सो द बेस फॉर दिस इज अ सर्कल. और अगर सर्कल के ऊपर बहुत सारे सर्कल्स आप रखते जाते हैं, दैट इज बिकमिंग अ सिलेंडर. ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट अ सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. सो द पोर्शन विच वी आर एबल टू टच कर्विकल शेप में जो है, इसे ही हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. और अगर आपके पास एक सिंपल प्लेन पेपर है इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल और आप उस रेक्टेंगल को रोटेट करते हो, सो इन दैट केस ऑल्सो यू आर एबल टू गेट अ होलो सिलेंडर. ऑलराइट, सिलेंडर के लिए जो आपके पास कर्व सरफेस एरिया है, दैट इज ऑलवेज 2 पाई आर एच, एज वी कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. एंड व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया मींस दैट इज 2 पाई आर एच प्लस इन एडिशन टू दैट 2 पाई आर स्क्वायर. दिस इज नॉट एच हियर, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर. सो फॉर दैट यू आर जस्ट एडिंग बोथ ऑफ द सर्कल्स टू फाइंड दी टोटल सर्फेस एरिया इन दी कर्व सर्फेस एरिया. अगर आप अपने सिलेंड्रिकल शेप के दोनों ही तरफ के बेसिस को एड कर देते हैं कर्व सर्फेस एरिया में, इन दैट केस वी आर एबल टू गेट द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. और अगर हम यहाँ से 2 पाई आर एज इट कैन बी क्लियरली सीन ऑन द स्क्रीन को कॉमन अगर ले लिया जाए, सो एज अ रिजल्ट टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे आपके पास एक सर्कुलर प्लेट है, एक डिस्क है, आप उस सर्कुलर प्लेट के ऊपर 1, 2, 3, 4, 10, 15 प्लेट्स रखते जाएंगे, सो डेफिनेटली एक सिलेंडर फ्रेम होता है. सिंगल पेपर के लिए या सिंगल डिश के लिए, जो आप थिकनेस को अवॉइड करते हो, या हम कहते हैं कि इट इज नेग्लिजिबल, जब आपके पास हंड्रेड्स और मोर देन दैट सेम शेप की ऑब्जेक्ट्स को आप रखते हैं, तो वो थिकनेस जो है वो काउंट होती है, वो धीरे धीरे सिलेंडर का शेप ले लेती है इन केस ऑफ सर्कुलर बेस. ऑलराइट, सो उस केस में भी क्या होगा वॉल्यूम, डेफिनेटली हमने बोला था किसी भी शेप के लिए जो वॉल्यूम है, अगर उसकी हाइट बिल्कुल पैरेलल चल रही है बेस के, तो हमारे पास यानी कि अगर आपका बेस सर्कल है और आप सेम रेडियस के बहुत सारे सर्कल्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, इन दैट केस राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फ्रेम एंड द वॉल्यूम फॉर दैट इज एरिया ऑफ द बेस सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एच विच इज हाइट. सो इन दैट केस द वॉल्यूम इज बिकमिंग पाई आर स्क्वायर इंटू एच. So if we talk about pi r square into h, and further let us discuss about the volume of a hollow cylinder. अगर आप होलो सिलेंडर की बात करते हैं, तो होलो सिलेंडर का मतलब है एक ऐसा सिलेंडर, जैसे कि यहाँ फिगर से क्लियरली विजिबल है, एक ऐसा सिलेंडर जिस सिलेंडर के अंदर जो हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन दिख रहा है उसकी रेडियस कुछ अलग है, और आउटर पोर्शन के लिए जो रेडियस है दैट इज समहाउ डिफरेंट. फॉर द आउटर पोर्शन, फॉर द आउटर सिलेंडर द रेडियस इज दिस मच. सो हमने यहाँ पर दोनों ही
सिलेंडर्स के लिए, इनर सिलेंडर के लिए रेडियस को सपोज किया है स्मॉल आर एंड द रेडियस फॉर द आउटर सिलेंडर इज कैपिटल आर. और अगर हम जानना चाहते हैं दैट व्हाट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर, सो यू शुड नो दैट ऑल द पोर्शंस व्हिच आर टचेबल विद अ हैंड विल बी नोन एज द एरिया. अगर मैं अपने हैंड को ऐसा टच कर रही हूँ, दिस इज द एरिया फॉर दिस सिलेंडर. इफ आई एम टचिंग दिस पोर्शन, दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया. ऑलराइट, सो इसी तरह से आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस होलो सिलेंडर क्या होगा, द एरिया ऑफ द आउटर सिलेंडर, जो आपका आउटर सिलेंडर है उस सिलेंडर का कंप्लीट एरिया, प्लस एरिया ऑफ द इनर सिलेंडर, क्योंकि वो बीच में से खाली है तो आपका जो हाथ है वो अंदर की तरफ भी टच कर पा रहा है. ये एक सोचने का तरीका हो जाता है. अदरवाइज हमें समझना है कि होलो सिलेंडर के केस में भी कर्व सरफेस एरिया मीन्स आउटर सिलेंडर एंड इनर सिलेंडर दोनों ही कर्व सरफेस एरियाज को आप ऐड करेंगे, एंड इन दैट केस डेफिनेटली यू आर गेटिंग 2πRh plus 2πRh, where the radius for both inner and outer cylinders are different, but the height is same, as it can also be seen from this particular figure. So what is the thing which we are obtaining, that is 2πH ko aap common le sakte hain, and it is 2πH into r plus r square units. Ab baat karte hain total surface area of a hollow cylinder. तो होलो सिलेंडर शेप के बारे में जब हम बात करें, बिफोर दैट हम देखते हैं कि ये एरिया आपका टच हो रहा है इन एडिशन टू द प्रीवियस एरिया, जहां से आपका सिलेंडर खाली है वो पोर्शन को आप छोड़ देंगे. आउटर सर्कल और इनर सर्कल का जो डिफरेंस है बेस पर, वो डिफरेंस भी हमारा ऐड होगा टोटल सर्फेस एरिया के केस. सो टोटल सर्फेस एरिया विल बी 2πr² by I am taking 2 here, क्योंकि आपके पास बेस सर्कल्स दो हैं, इन द अपर पोर्शन एंड डाउनवर्ड्स एज वेल. ओके, सो एक सर्कल के लिए एरिया होता है πr² माइनस πr² विल बी द एरिया विच वी आर शेडिंग हियर इन दिस पर्टिकुलर पिंक कलर. ये पर्टिकुलर जो एरिया है आपको आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करने पर अवेलेबल हो रहा है, और क्योंकि दो सर्कल्स हैं दैट्स वाई 2πr² minus 2πr², small r square. So what we are obtaining in that case, definitely it is the curved surface area plus 2π into r plus r, the pi will be written here. So 2π into r plus r into r minus r, that can be written like this. और आप simply यहीं पर भी अपना formula as such mention कर सकते हैं, 2π into r² minus r², and if we talk about the volume, मान लीजिए ये जो हमारा होलो सिलेंडर है, this is made up of wood or made up of plastic, so आपके पास volume क्या होगी, volume of wood अगर आपको निकालना है, volume of the material used for making that holo cylinder अगर आपको calculate करना है, so what will be that, that will be πr² h for the outer cylinder minus πr² h for the inner cylinder. So pi h can be taken common from here, and as a result we are getting pi h into r² minus r², which is definitely the volume of the holo cylinder or volume of the material used in preparing that holo cylinder. All right, now after this cone ki baat karte hain. Cone or cylinder, अगर इन दोनों ही शेप्स की हाइट आपके पास सेम है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ कोन, दिस इज अ सिलेंडर, इन द फिगर इट इज क्लियरली विजिबल, दोनों की ही बेस को एकदम इक्वेट करके रखा है, और हाइट भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, सो द हाइट फॉर बोथ ऑफ दीज शेप आर ऑल्सो इक्वल. बट डिफरेंस क्या है, अगर आप होलो कोन लेते हैं और एक कोन को पूरा अप टू द ब्रिम फिल करके आप होलो सिलेंडर में डालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे तीन सिलेंडर पूरी तरह से फिल हो जाएंगे. डेफिनेटली बेस ऑफ द सिलेंडर शुड बी देयर. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3πr² h. सिलेंडर का जो वॉल्यूम था उसका 1/3 इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द, यस, इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द कोन. ओके,
अगर कोण की हम बात करते हैं, हम देख सकते हैं कि इन केस ऑफ अ कोण यहाँ पर हमारे पास एल यानी कि स्लैंट हाइट भी है। तो स्लैंट हाइट, रेडियस और स्ट्रेट हाइट में क्या रिलेशनशिप होता है? वही रिलेशनशिप जो आपके लिए राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, यानी स्लैंट हाइट ऑफ अ कोण कैलकुलेट करने के लिए यू विल सिंपली गो फॉर द पाइथागोरस थ्योरम एंड द स्लैंट हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोण इज अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, वेयर h एंड r आर डिफाइनिंग द हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। नाउ व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया? द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज ऑलवेज पाई आर एल, वेयर एल इज रिप्रेजेंटिंग द स्लैंट हाइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टोटल सरफेस एरिया, सो टोटल सरफेस एरिया के केस में यू विल ऑल्सो एड दिस पर्टिकुलर बेस सर्कल, यानी आपका एरिया होगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, बोथ ऑफ दीज विल बी एडेड। अगर यहां से हम पाई आर को कॉमन ले लेते हैं, सो वी आर एबल टू गेट पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई आर को अगर कॉमन लेते हैं तो यू आर गेटिंग पाई आर इंटू एल प्लस आर एज द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ अ कोन। नाउ आफ्टर टॉकिंग अबाउट दिस, लेट अस डिस्कस फर्दर स्फीयर। स्फीयर की अगर जो शेप है आपको यहाँ पर देखकर स्फीयर और सर्कल में डिफरेंस समझना है। सर्कल इज लाइक द बेंगल, सर्कल इज जस्ट अ 2D शेप विच इज फ्लैट इन शेप। बट अगर हम इस बॉल की बात करते हैं, दिस इज स्फीयरिकल इन शेप, दिस इज स्फीयरिकल इन शेप। ऑलराइट, सो स्फीयर की जो शेप है वहां पर बीच में स्पेस होता है, जैसे कि आपकी फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, दीज ऑल। और स्फीयर के लिए अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम कैलकुलेट करना चाहें तो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल नॉर्मली हम ले लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कोई भी फ्रूट है विच इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप, जैसे आपके पास एक ऑरेंज है, आप ऑरेंज को पील ऑफ करके अगर सेम रेडियस के 4 सर्कल्स बना दें और वो जो आपने पील ऑफ किया है वो छिलका आप उन सर्कल्स के एरिया पर रखने की कोशिश करेंगे, सो यू विल फाइंड कि 4 सर्कल्स को आपका एक स्फीयर का जो छिलका था वो कवर करेगा, यानी कि एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एंड फॉर अ स्फीयर द एरिया विल बी 4 × π r² एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि अभी तक हमने जितनी भी शेप्स लिखी थी, वी वर डिस्कसिंग लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, बट इन केस ऑफ अ स्फीयर वी आर जस्ट एंड ओनली डिस्कसिंग सरफेस एरिया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल और कर्व, क्योंकि एक स्फीयर में कहीं से भी कोई भी फ्लैट पोर्शन नहीं है, इट इज ऑल राउंड इन शेप। ओके, तो जब फ्लैट है ही नहीं तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए अलग से कुछ भी ऐड नहीं कर पाएंगे। सो फॉर अ स्फीयर द सरफेस एरिया इज 4 π r² एंड द वॉल्यूम फॉर द सेम इज 4/3 π r³। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ओके मैम, we do not have time, more time to continue this chapter, but kyunki ye hamara first hi part hai aur aage aane wale second or third part mein bhi hum ise continue kar sakte hain, I would request you ki ek last topic aap bachcho ko as a homework de dijiye and then we'll wrap up. जी तन्वी, तो हमें मेरा एम भी यही था, आज का ऑब्जेक्टिव यही था कि एटलीस्ट हमारे बच्चे सभी फॉर्मूला समझ लें। एंड दिस इज द वेरी लास्ट शेप मेंशन्ड हियर ऑन द स्क्रीन, हेमिस्फीयर। तो डेफिनेटली एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मेंशन्ड हियर ऑन द स्क्रीन। हेमिस्फीयर है तो स्फीयर का हाफ ऑफ होगा, बट टोटल के लिए हमें जो बेस यहाँ से मिल रहा है ये भी एड करना है। फॉर दैट इट इज 3 π r². That's all for today. Thank you. थैंक यू, थैंक यू सो मच मैम। हमें आपका कहना चाहिए, आपने सभी हमें फॉर्मूलाज दे दिए और बच्चों को याद भी रहेंगे, एंड आई एम श्योर दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकेंड पार्ट ऑफ सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू तन्वी। थैंक यू सभी बच्चों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा भी आया होगा, मैथ्स बच्चे अक्सर बहुत इंजॉय करते हैं। और अगला जो पार्ट हम लेकर आएंगे बहुत जल्द लेकर आएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 2। पर अभी के लिए हम अपना ये मैथ्स का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। थोड़ी देर में आएंगे लेकर अपना उर्दू का कार्यक्रम, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा ई विद्या चैनल्स पर, और कोई भी सवाल हो तो हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इसी के साथ मैं हूँ तन्वी खुराना और आप सभी से मांगूंगी इजाज़त। हैव अ नाइस डे ahead. Namaskar.